टुडे स्टूडेंट्स, आई एम सचिन सर ऑफ गोल्डन फ्यूचर पब्लिक स्कूल तिसरी। टुडे आई शैल टीच यू इंटीजर। आज तुम लोगों इंटीजर के बारे में क्लास लेंगे। सबसे पहले एट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर। इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले पढ़ाएंगे व्हाट इज इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। तो स्टार्ट द होल नंबर दैट इज जीरो एंड द नेचुरल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर। क्या लिखा हुआ बच्चों? द होल नंबर दैट इज जीरो एंड द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। फॉर एग्जांपल -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट। This is the set of integer. How can display on the number line? Here, 0 is middle part of the number line. We can move from 0 on the right side. 1, 2, 3, 4 -1 -2 -3 -4 This is positive integer. 1 2 3 4 This is positive integer and -1 -2 -3 is negative integer. 0 is the integer but there is neither positive integer nor negative integer. ना तो जीरो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, या लेकिन यह एक इंटीजर है। हियर 1 2 3 4 आर पॉजिटिव इंटीजर। -1 -2 -3 -4 आर नेगेटिव इंटीजर। जीरो इज एन इंटीजर बट नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। देखो बच्चों, 1 2 3 आर पॉजिटिव इंटीजर, -1 -2 -3 -4 आर नेगेटिव इंटीजर। 0 इज एन इंटीजर बट नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट टॉपिक्स मॉडल्स ऑफ इंटीजर और एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसा कि आप लोगों को बताया कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को बताएंगे मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। सबसे पहले व्हाट इज मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। मॉडुलस क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले
इसके बारे में हम बताते हैं। द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू का जो भी मान आता है वो हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। नेक्स्ट थिंग्स, द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर ऑफ एन इंटीजर इज रिगार्डलेस साइन। नेक्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस के बारे में इंपॉर्टेंट थिंग्स, द मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू इज डिनोटेड बाय A is, this symbol is modulus। हम लोग इस सिंबल को क्या बोलेंगे, मॉडुलस बोलेंगे। हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं, we can read it modulus A, modulus A। अब मॉडुलस के बारे में इतनी जानकारी थी, और देखो एग्जाम्पल में हम बता सकते हैं माइनस टू मॉडुलस ऑफ माइनस टू, मॉडुलस ऑफ माइनस टू इक्वल टू टू, और मॉडुलस ऑफ 4 इक्वल टू 4। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीजर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एन इंटीजर। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है इंटीजर का, उसको हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। क्या लिखा बच्चों, एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर। हर प्रत्येक पॉजिटिव इंटीजर हर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। फॉर एग्जांपल 4 इज ग्रेटर देन माइनस टू, 5 इज ग्रेटर देन माइनस 4, एंड पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, एवरी नेगेटिव इंटीजर इज लेस देन एवरी पॉजिटिव इंटीजर। एग्जाम्पल माइनस टू लेस देन 4, माइनस थ्री लेस देन 5। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग इंटीजर का, वो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक,
देखो बच्चों, सबसे पहले प्रॉपर्टी को याद रखेंगे तो एक्सरसाइज बनाने में सुविधा होगी। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक बताते हैं, इंपॉर्टेंस किसका, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। जब प्रॉपर्टी को समझ जाएंगे तो एक्सरसाइज बनाने में बहुत सुविधा होगी। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है एडिशन ऑफ इंटीजर, एडिशन ऑफ एन इंटीजर, एडिशन ऑफ एन इंटीजर। इसका फर्स्ट रूल है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? फॉर एनी टू इंटीजर, फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, ए प्लस बी विल आल्सो एन इंटीजर। सबसे पहले हम लोग इसको ए और बी कहना है कि इसके स्थान पे हम लोग डिजिट लेंगे, नंबर लेंगे, तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टू थ्री फोर, टू थ्री आर फोर, टू थ्री फोर आर इंटीजर, देन वी कैन राइट ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू थ्री, देन वी कैन राइट ए प्लस बी ऑल्सो इज एन इंटीजर। दोनों का सम एक इंटीजर होगा, जैसे टू प्लस थ्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, टू, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, इक्वल टू थ्री, यू गेट फाइव। फाइव इज ऑल्सो एन इंटीजर, फाइव इज ऑल्सो एन इंटीजर, पांच भी एक इंटीजर है। जैसे ए इक्वल टू दो, बी इक्वल टू थ्री, देन ए प्लस बी इक्वल टू फाइव, फाइव इज हेंस फाइव इज एन इंटीजर। दस एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको इरेज करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक कॉम्यूटेटिव, इंपॉर्टेंस नॉलेज फॉर यू। जिन बच्चों ने आप बुक परचेज नहीं किए हो वो जल्द से जल्द अपना बुक को परचेज करें, खरीद लें और घर बैठे अपना लाइव क्लास देख सकते हो। अभी कोर्स चालू है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले फॉर एनी टू इंटीजर, सबसे पहले हम दो इंटीजर को लेंगे, फॉर एनी टू इंटीजर ए एंड बी, ए एंड बी, हम लोग दो इंटीजर को क्या कर लिए, ए और बी को लिए। रूल है ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हम लोग डिजिट में लेके देखते हैं, ए इक्वल टू टू, बी इक्वल टू थ्री, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, टू प्लस थ्री इक्वल टू फाइव,
b, what is the value of b? 3 plus 2 equal to 5. इस दोनों कंडीशन में a plus b और b plus a का वैल्यू सेम आ रहा है, यानी 2 plus 3 ऐड करें या 3 plus 2 ऐड करें तो दोनों का वैल्यू सेम आता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। समझे बच्चों, a equal to 2, b equal to 3, दोनों को ऐड किए 5 आया। इसके बाद नेक्स्ट 2 को फर्स्ट था तो 2 को लास्ट कर दिए और 3 लास्ट में था तो इसे फर्स्ट कर दिए, तो दोनों को वैल्यू को जो ऐड किए तो दोनों का वैल्यू सेम आया, कितना आया 5 आया। both addition are same value। इस प्रकार एक कंडीशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों इसमें भी थ्री डिजिट लगेंगे, फॉर एनी थ्री डिजिट और थ्री इंटीजर इंटीजर ए बी एंड सी, दैट इंप्लाइज दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको नंबर से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। लेट ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4, सी इक्वल टू 6, पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 4 एंड सी इक्वल टू 6 in the value of here. What is the value of A? 3, B equal to 4 plus C equal to A equal to 3 plus, what is the value of B? 4 plus 6. दोनों कंडीशन में वैल्यू सेम आ रहा है, 13 इक्वल टू 13। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट टॉपिक